हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ MBA CET 2023 के बारे में, जो अभी हमारी डीटेक एग्ज़ाम हुई है लाइक 6 मई को। तो उसके बाद कौन से कॉलेज आपको फिल करनी है MMS और PGDM की। PGDM की मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ MMS कॉलेज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि MMS कॉलेज की फॉर्म कब आएगी, उसको कैसे फिल करना है। ठीक है, कि जितने महाराष्ट्र बेस्ड MBA को MMS कॉलेजेस है, तो उसको CET के थ्रू कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, CET और CMAT और CAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हो आप MMS कॉलेज में। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। विच MMS कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म यू शुड हैव टू फिल लाइक अप्लाई एंड व्हेन MMS एप्लीकेशन फॉर्म्स विल ओपन, मतलब कब ओपन होंगे MMS के एप्लीकेशन, तो इस पे बात करेंगे आज हम लोग। और ये हमारी MBA CET से टेलीग्राम और व्हाट्सएप की ग्रुप है, जोड़ ज्वाइन हो जाना, यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलते रहेगी कॉलेज के ऊपर, जब तक आप लोग की लाइक कैप राउंड रिजल्ट से लेकर सारी यहाँ पे CMAT CET सारे एग्जाम्स के अपडेट्स मिलती रहेगी। और हमारे जो न्यू कोर्स के भी सेशन चल रही है, तो उस पर भी जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चेकआउट कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ लास्ट ईयर की, मैं आपको थोड़ी ग्लिम्स दिखाता हूँ लाइक CET में एक्चुअल में होता क्या है। देखो, जैसा कि ये जो आप देख रहे हो PDF है, देख रहे हो ये लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो आपको मैं शो करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कंक्लूजन करना क्या आपको फिर। ठीक है, ये जो है हम लोग की जमनालाल बजाज की कट ऑफ है JBIMS मुंबई की। तो यहाँ पे 99.98 या 99% पे अगर आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी सब अगर आते हो, तो जनरल बजाज आप फिल कर दो। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे आपको फिल करना है MMS के प्रोग्राम के एप्लीकेशन। ठीक है, और 99.95 अगर आपकी आ रही है, ये मैं कैपराउंड 1 की बता रहा हूँ, ये कैपराउंड 1 की है, 2 की 3 की 3 कैपराउंड चली थी लास्ट ईयर। ठीक है, उससे पहले 2 चलती थी। ठीक है, ये फर्स्ट की मैं बता रहा हूँ। उससे सिडनम की 99.95 गई है, VN वेलिंकर की गई है 99.89, उसी तरह SIS की ले लूँ मैं, टॉप 10 के भी मैं बात करूँ 99.68, पुम्बा की गई है 99.67, जेवियर की गई है 99.62, CUEP पुणे का गया है 99.6, और चेतना की गया है 99.24, और MET लाला का गया है 98.57 और 98.36। तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि सारे जो टॉप के 10 कॉलेजेस हैं वो 98 टू 99 पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जैसा कि अभी आप CET का डीटेक एग्ज़ाम दिए हो या फिर CET का एग्ज़ाम अभी से पहले वाला दिए थे, तो आपकी अगर परसेंटाइल 98 टू 99 बन रही है, तो आप लोग इतना टारगेट कर लो कि मुझे टॉप 10 कॉलेज में से मिलेंगे, चाहे महाराष्ट्र से हो या फिर ऑल इंडिया कैटेगरी से आते हो। ठीक है, महाराष्ट्र के भी मैं बताऊँ जमनालाल बजाज की जो कट ऑफ है, ठीक है, ये हम लोग जमनालाल बजाज की महाराष्ट्र बेस्ड जो स्टूडेंट्स आते हैं 99.93 जाती है स्टेज 1 की जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमारी कैप राउंड 1 की है, कैप राउंड 2 में भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, 99.93 है तो 92 भी हो जाती है, 95 भी हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर मैं कैपराउंड 3 की बात करूँ तो उससे थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे एडमिशन ले लेते हैं या फिर सीट फुल हो जाता है। मैं जमनालाल बजाज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारे सीट्स फुल होते हैं, सिडनम में कुछ बच जाते हैं वैकेंट होते हैं, तो 20-15 सीट्स, तो वहाँ पे आप लोग इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। मैं बताऊँगा अभी कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये टॉप 10 का मैं बता दिया, उसके बाद आप लोग देख सकते हो ठाकुर हो गया, DGB हो गया, इंदिरा हो गया, इंदिरा पुणे, विवेकानंद। ठीक है, तो ये सबकी जो फीस होती है, जनरल बजाज की 6 लाख फीस है इसकी, सिडनम की 5 लाख अराउंड है, वेलिंकर की आपको भी 5 है, SIS की 5 लाख मिल जाएगी, पुम्बा की 2 लाख फीस है, और जेवियर ये सब की भी आई थिंक 4.5 या 3 से है, CUEP का 2 है, और चेतना ये सब का भी 5 है, और MET ये सब सबकी शायद अराउंड 4-3 ऐसे है, इंदिरा के अराउंड 5 है। तो ये सब आपको कुछ मैं ओवर व्यू दे रहा हूँ, अभी मैं बताऊँगा आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब आपको कॉलेजेस पे है, कॉलेज डिपेंड करती है आपको कौन सा एक्सपेक्टेड परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगी MMS की। ठीक है, ये सब सारे MMS है, और ये MBA पुणे का जितने बेस्ट कॉलेज है वो आपको MBA देंगे, और जितने मुंबई बेस्ड कॉलेज है वो आपको MMS देंगे। ठीक है, और मैं बात करूँ यहाँ पे PPT में मैं आऊँ तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ
कि लाइक जो एमएमएस का प्रोग्राम है वो जैसे कि सीईटी का रिजल्ट अभी 15 to 20 days में आउट होने वाला है, ठीक है, हम लोग मानते हैं सपोज एक्सपेक्टेड है, उसके 1 month बाद लाइक जून से आपकी, जून के मीड से आई थिंक आपकी, ठीक है, कैप राउंड स्टार्ट होगी। तो कैप राउंड स्टार्ट होगी तो कैप राउंड में आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है, लाइक कैप वन होता है, कैप राउंड टू होता है, कैप राउंड थ्री होता है। तो कैप राउंड वन में जैसे कि आप लोग सीईटी का जब फॉर्म फिल किए थे, जैसा कि अभी जैसा कि जब आप लोग सीईटी का फॉर्म फिल कर रहे थे एग्ज़ाम देने टाइम, तो वहाँ पर सेम आपको हर कुछ फिर से फिल करना है, 10 12th का मार्क्स सेम कुछ, ठीक है। तो आपका जो भी कुछ गलत भी होगा तो कोई इशू नहीं रहेगा, कैप राउंड में फिर से रीचेक होगा आपका फॉर्म, तो वहाँ पे आपको फिर से फॉर्म भरने पड़ेंगे सारे एग्ज़ाम की, लाइक आपको देनी पड़ेगी 10 12th ग्रेजुएशन की सारी आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी जो सीईटी के परसेंटाइल आएगी वहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद कैप राउंड वन पे आप एलिजिबल होते हो कॉलेज अप्लाई करने के लिए। वहाँ पे आपको 5 कॉलेज 6 कॉलेज ऐसे अप्लाई करने रहते हैं, ठीक है। उसमें आप कोई भी अगर फर्स्ट नंबर पे, जैसे जनरल 98 है आपकी परसेंटाइल 98, तो आपको जनरल बाजार नहीं मिलने वाला, तो ये आप एक्सेप्ट कर लो। लाइक अगर कैटेगरी से हो महाराष्ट्र से, लाइक ओबीसी से ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपको जनरल बजाज मिलेगा, ठीक है। जैसे इस आप लोग वन सेकेंड लाइक ये वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जैसे ओबीसी का देख लो 99 पॉइंट, जीएसटीएस का हो गया, या फिर ईडब्ल्यूएस का 99 पॉइंट है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का तो थोड़ा कम रहता है, एक लाइक 98 है। तो ये सब आपका परसेंटाइल इतना जाता है, ठीक है, 99 to 98 पे, ओके। सो आपको वहाँ पे जब राउंड वन में आपका जब कॉलेज जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है। और मैं बता दूँ, लाइक राउंड वन में अगर आपका नहीं हुआ तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हो, लाइक आपको फ्रीज या अनफ्रीज ये सब करना रहता है। तो वो सबकी डिटेल्स आती रहेगी सी अपने चैनल पे एमबीए शाला पे, तो आप लोग उस पर बने रहना, सारी अपडेट्स आपको सीईटी सीमेट से मिलती रहेगी, ठीक है। और जब कैप राउंड स्टार्ट होगी तो आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, सब आएगा, ठीक है। तो ये था एक ओवरव्यू कि आपकी जून से कैप राउंड वन स्टार्ट होगी, तब आप एमएमएस के लिए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको पीजीडीएम में जाना तो अभी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके आप लोग जा सकते हो। बट एक मैं बता दूँ, एमएमएस में कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होती है, जीडीपीआई नहीं होती, इंटरव्यू ये सब नहीं होती है, सीधा कैप राउंड फिल करो, कॉलेज लगेगा आपका, सीधा फॉर्म आप कॉलेज में एडमिशन के लिए अपनी जितनी फीस है लाइक 50K 40K लेकर जाओ, आपकी एडमिशन वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ये इसका पूरा प्रोसेस होता है एमएमएस कॉलेज में एडमिशन लेकर। यहाँ पे देर इज नो जीडीपीआई इन एमएमएस कोर्स, सो इफ यू हैव गेट एनी कॉलेज लाइक सो सडनली देन यू गो टू द कॉलेज एंड यू सबमिट द फीस ऑफ कॉलेज, देन यू कैन एलिजिबल फॉर एनी कॉलेज लाइक वॉट एवर यू हैव गेट इट, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एमएमएस कॉलेज का कैसे आपको फिल करना है। इस पर डिटेल वीडियो आएगी कि आपको कौन से कॉलेज मैंने बता दिया है यहाँ पे फिल करनी है, ठीक, कौन से कॉलेज आपको फिल करनी है यहाँ पे मैंने बता दिया है लाइक टॉप 10 पे। और मुंबई बेस्ड कॉलेज या पुणे बेस्ड कॉलेज में अभी टॉप 10 अभी आने वाली है, क्या कौन कौन से आपको फिल करनी है। और ये तो मैं ओवरव्यू दे दिया था कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आप इतने फिल कर दो, ठीक है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो कि एमएमएस में कैसे फिल करनी है, ठीक है। और अभी एक मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी पर्टिकुलर कॉलेज पे वीडियो आएगी, ठीक है, अभी सारे कॉलेज पे जो टॉप कॉलेज है, बने रहना चैनल पे, ठीक है। तो ये था आज का टोटल ओवरव्यू। तो जो भी लोग चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, शेयर करना, जो भी लोग सीईटी के थ्रू टारगेट कर कॉलेज और सीमेट के थ्रू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।